घरों में छोटी छोटी बातों को लेकर विवादों का होना कोई नई और बड़ी बात नहीं है, बल्कि इन विवादों से घरों में प्यार और बढ़ता है। लेकिन कभी कभी घरों में होने वाला विवाद एक बड़ी वारदात को अंजाम दे डालता है, जिससे पूरा परिवार ही बिखर जाता है, जैसा उत्तर प्रदेश के मेरठ में देखने को मिला, जहां गृह कलेश के चलते एक शख्स ने पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया। ये मामला किठौर के ललियाना गांव का है, जहां के रहने वाले अकरम का अपनी मुसरत से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। ये विवाद इतना बढ़ गया कि अकरम ने अपनी पत्नी और तीनों बेटियों को जहर तक दे डाला, जिससे महिला और उसकी एक लड़की की मौत हो गई, जबकि दो बेटियों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिनका इलाज मेरठ के अस्पताल में चल रहा है। जबकि इस घिनौनी वारदात को अंजाम देकर अकरम मौके से फरार हो गया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। इस मामले को लेकर अकरम के ससुराल वालों का कहना है कि लॉकडाउन के चलते आर्थिक तंगी की वजह से अकरम अपनी पत्नी से विवाद करता रहता था और काम नहीं मिलने का गुस्सा वो अपने परिवार पर उतारता था। आइए आप भी सुनिए कि इस मामले में जानकारी देते हुए परिजनों ने क्या कुछ कहा। यह है छोटी वाली, वहाँ लेटी औरतों के मुंह से ये निकली हुई, एक तो मर गई, एक अंदर है, उसका सांस चल रहा था। हमें क्या पता हमारी लड़की का ये हो रहा, जाकर इनके भैया ने उठा लिया, एकदम गोदी में भैया ने उठा लिया, इनका जेठ का लड़का एकदम गर्दन पर लिपट गया। मैंने आग हाथ जोड़े, भैया हम अस्पताल को ले जा रहे हैं इनकी बीवी को दिखाने को, हमें नो पता नहीं जहर दिया है कि न दिया, हम सादगी में फिर भी हम ले गए ना अस्पताल आ गए। उस लौंडिया को पीछे से उसके जेठ ने लौंडे डाल दिया, हमें उसका ध्यान भी नहीं सर भी देवा, उसके मुंह से झगड़े आ रहे, हमने उसे आदमी अस्पताल। मौत किस किस की हो गई है? दो की हो गई। कितने एडमिट है अस्पताल में? एक है लड़की, एक लड़की और एडमिट है। पुलिस मामले के हर एंगल से जांच कर रही है, लेकिन काम नहीं मिलने का गुस्सा अकरम ने जैसे अपने परिवार पर निकाला वो सरासर गलत है, बल्कि एक अपराध भी है। पत्नी और बेटी की हत्या करने वाले इस हत्यारे को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, ताकि कोई शख्स ऐसा अपराध कभी ना कर सके, और कोई अगर ऐसा सोचे भी तो उससे पहले उसकी रूह तक कांप जाए। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। वीके न्यूज से अभिराज की रिपोर्ट। धन्यवाद।